Good morning, student. Now the last three questions from the exercise 13.6. If the cost ₹2,200 is paint the inner curved surface area, cost दिया है, okay? क्या दिया है? Cost. और deep दिया है 10 meter यानी height हो गई. और rate दिया है ₹20 per meter square. तो कॉस्ट है और रेट है, तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. सबसे पहले इंफॉर्मेशन में इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, पहले लिख लेंगे. कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹2,200, रेट दिया है यहां पे ₹20 पर मीटर स्क्वेयर, और डीप मीन्स हाइट दिया है यहां पे 10 मीटर. ओके, यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे. पहले एरिया इनटू रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट. देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू रेट कॉस्ट अपॉन रेट. बराबर ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट. तो एरिया इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन रेट. सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू कॉस्ट है यहां पे 2200 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया आपका 110 मीटर स्क्वेयर. सो दिस इज द इनर कर्व सरफेस एरिया. ये आ गया पहला आंसर. ओके, दिस इज ऑफ योर फर्स्ट आंसर. नाउ फॉर द सेकेंड आंसर, रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है. आपके पास इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, क्या है, 2πRh. सो सेकेंड के लिए ये हो गया पहला. सेकेंड, इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πRh. 2πRh इनर कर्व सरफेस आपके पास में 110 इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इनटू r इनटू h कितना है 10 मीटर. गॉट इट, कैलकुलेशन करेंगे यहां पे, सबको ट्रांसफर करेंगे, r को एज इट इज रखते हैं और बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में. इज इक्वल्स टू के पास इज इक्वल्स टू देते हैं r यहां पे 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या क्या है बच्चा, 2 इंटू 22 इंटू 10. बराबर है ना, करेक्ट है, 2 इंटू 22 इंटू 10. अब यहां पे आगे बढ़ेंगे, ये एक जीरो कैंसिल हो गया. ओके, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 11 टू जा 22 r is equals to आ गया आपका 7 divided by 2 to the 4. 7 को 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 वन्स अ 4 बचेगा 3, 0 दिया, डेसिमल पॉइंट दिया, 4 7 जा 28, यहां पे 2 बचेगा, 0 दिया, 4 5 जा 20, यानी आपका आंसर आ गया r is equals to 1.75 meter. So this is the रेडियस ऑफ द सिलेंडर. दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. नाउ वी फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स क्या, कैपेसिटी का मतलब होता है रिलेटेड टू द वॉल्यूम. तो पहले यहां पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम और वी कैन से दैट द कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई 22 अपॉन 7, आर स्क्वेयर, आर कितना है आपका 1.75 इनटू 1.75 इनटू एच, एच कितना है आपके पास में, एच दिया है 10 मीटर. तो यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यहां पे इसको हटा के 22 अपॉन 7 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, ये एक जीरो कैंसिल हो गया यहां पे. अब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो फाइनल कैलकुलेशन मिलेगा
96.25 मीटर क्यूब। और यदि मुझे ये लीटर में करना है, वॉल्यूम में लीटर में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 96.25 इंटू 1000 लीटर ऐसा कर सकते हैं, या फिर 96.25 किलो लीटर, केएल किलो लीटर भी बोल सकते हैं। गॉट इट? तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। मींस एक वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। कैपेसिटी इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम, कैपेसिटी इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम, तो कैपेसिटी दिया हुआ है। अब कैपेसिटी कितना है, 15.4 लीटर, तो यहां पे बोल देते हैं हम लोग कैपेसिटी, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर। ओके, अब ये लीटर में है, हमको मीटर क्यूब में चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 meter cube is equals to 1000 liter, therefore capacity is equals to, अब यहां पे मीटर क्यूब रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई, यहां पे लीटर है तो लीटर का कन्वर्शन कितने करना है मीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0154 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम, कैपेसिटी इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम। ओके, अब हाइट दिया है यहां पे, हाइट इज इक्वल्स टू 1 meter, गॉट इट। हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर ऑफ द मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट, तो यहां पे सबसे पहले रेडियस पता करना जरूरी है हमको, तो यहां पे कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम दिया है यहां पे 0.0154 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू, क्या करेंगे आर स्क्वायर, आर तो है नहीं अपने पास में, तो आर स्क्वायर एज इट इज, एच इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.0154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। ओके, क्योंकि 1 इंटू 22 दैट इज अब इक्वल्स टू 22। अब इसमें डिवीजन देंगे हम लोग। ओके, सो 11 2 से 22, गॉट इट, 11 0.0, 11 बन सा 11 एंड 11 4 से 44, गॉट इट। यहां पे इसको कैंसिल किया हमने, 2 1 से 2, यहां पे 0.007, तो आंसर मिला आपका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 से 49, 0.0049, गॉट इट। नाउ आर इज इक्वल्स टू, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 0.0049, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 0.07, क्योंकि 0.07 का स्क्वेयर होता है 0.0049। ओके, अब रेडियस तो आपके पास आ गया, अभी आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर शीट विल बी रिक्वायर्ड, मींस आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, क्या चाहिए हमको, टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, क्या है फॉर्मूला, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, या फिर आप ऐसे भी कर सकते, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, तो यहां पे हमने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्टली 2πr r प्लस एच, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 0.07, ब्रैकेट में 0.07 प्लस H का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहां पे 22 2 44, ओके, अपॉन 7, 7 को कैंसिल कर सकता हूं मैं यहां पे, ये 7 बन जाए 7, 0.01। ओके, तो ये आ गया आपका 2 into 22 44 आ रहा है, इंटू यहां पे 1 divided by 100 कर सकता हूं मैं, इंटू ये हो गया आपका 1.07, गॉट इट, तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहां पे कर लिया हमने
44 इंटू वन इंटू 107 डिवाइडेड बाई, ये 107 का क्या हो गया, ये 100 तो ऑलरेडी है, इंटू क्या दिया हमने और 100, सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आपको मिलेगा 4708 डिवाइडेड बाई 10,000 एंड दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 0.4708 मीटर क्यूब, सॉरी स्क्वेयर, because it is the area and area is in the meter square. Okay, now so by using such type of the example we can solve this. Now the next question, the question number 8, a patient in a hospital is given a soup, yani hospital mein patient hai usko kya de rahe hain hum log, soup de rahe hain, hai na, soup peene ke liye, tabiyat acha karne ke liye. In a soup daily in the cylindrical bowl, bowl है, glass जैसा cylindrical bowl, with a diameter 7 cm, तो ये diameter दिया है 7 cm. If the bowl is filled with the soup to the height of 4 cm, means ये पूरा यहाँ पे up to the brim नहीं भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ उसको, ये 4 cm तक भरते हैं, means यहाँ तक हम लोग उसको क्या देते हैं, soup देते हैं, means ये 4 cm तक, okay? How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? Means total number of the patient कितने हैं? 250 patient है. 250 patient को देना है यहाँ पे soup. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक bowl में कितना soup आता है वो find out करेंगे और उसको पहले किस उसको किससे multiply करेंगे? 250 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा कि कितना सूप हमको लगेगा एक दिन में, दैट वी हैव टू फाइंड. तो यहां पे पहले ले लेते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 cm, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 7/2 cm, ये आ गया आपका. अब जितना हम लोग सूप दे रहे हैं उतना ही हाइट ले लेंगे, एच इज इक्वल्स टू 4 cm. नाउ वी गेट हियर द क्वांटिटी ऑफ दिस सूप और द वॉल्यूम ऑफ दिस सूप. Volume of soup in one bowl. कितने bowl में कर रहे हैं हम लोग, पहले एक bowl में. So volume of the soup in one bowl is nothing but the pi r square h formula है आपके पास में. Volume of the cylinder pi r square h, that is 22/7. R square means कितना हो गया, 7/2 × 7/2. A to H, H means कितना 4 दिया है, ये 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4 हो गया, ये cancel हो गया, ये 7 और ये 7 cancel, means आपको मिला 22 × 7, okay? 22 × 7, that is 154. ये calculation बहुत बार आ चुका है, तो इसीलिए ज़्यादा calculate करने की ज़रूरत नहीं है, direct लिख सकते हैं 154. अब ये हो गया एक के लिए, एक बाउल में आता है, ऐसे कितने बाउल के पेशेंट है, मींस इतना वॉल्यूम का सूप हम एक पेशेंट को देते हैं. ऐसे हमारे पास में टोटल पेशेंट है डेली के 250 पेशेंट, तो कैसे कितना देंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट, volume of soup for 250 patient. So that is of equals to 250 × 154. Multiply करेंगे, एक zero दे दिया हमने, 25 × 4 = 100, 0 carry 10, 25 × 5 = 125, 125 + 10 = 135, तो ये आ गया 5 यहाँ पे, got it? उसके बाद में 13 कैरी हो गया, 25 × 25 means 38, तो यहाँ पे 38500 cm³, इतना सूप हम लोग डेली का यूज कर रहे. अब मुझे चाहिए लीटर में, तो मैं क्या करूंगा, यू नो दैट 1 L = 1000 cm³. देखो मीटर और सेंटीमीटर में बहुत फर्क है, 1 meter cube is equals to 1000 liter, और 1 liter is equals to 1000 cm³. Therefore इसको convert करेंगे, therefore volume of soup is equals to कितना,
38500 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 3.38 यहां पे आएगा डेसिमल 0.5 लीटर यानी इतना सूप वो पेशेंट को दे रहे डेली पेशेंट को इतना सूप लगेगा मींस वॉल्यूम ऑफ द सूप फॉर 250 पेशेंट डेली इज 38.5 लीटर ओके तो जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया है उसी तरह से अभी इसमें से कुछ एग्जांपल मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा हुआ है तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 13.6 एंड डेली क्योंकि एक दिन सॉल्व करके नहीं होगा आपको डेली सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे ही कोई एग्जांपल आपको यदि दिखते हैं कहीं पे दिखते हैं जैसे आरडी शर्मा है तो आरडी शर्मा से कुछ एग्जांपल लीजिए आप और अपने नोटबुक में सॉल्व करिए डोंट डिपेंड ऑन द टीचर ओनली मींस टीचर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा फिर आप सॉल्व करेंगे नहीं ऐसे नहीं करना टीचर अपनी तरफ से कोशिश करेगा क्वेश्चन सॉल्व देने के लिए मगर आपके अपने तरफ से भी खुद को कोशिश करनी है कि क्या हमको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं या नहीं जैसे आरडी शर्मा से क्वेश्चन मिलते हैं क्या और कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं क्या हमें ऐसे क्वेश्चन जमा करना है उसको सॉल्व करना है हाँ यदि कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता इन दैट केस आई विल हेल्प यू ओके मींस मैं तो आपको हेल्प करूंगा उस बारे में मगर जितने क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे that is better for you people okay so in this way you can solve this exercise and here this exercise is over so in next video we start the next diagram that is cone right circular cone jaisa ye right circular cylinder tha waisa hi wo right circular cone hai next video mein hum log right circular cone ka surface area curved surface area total surface area and the volume ye bhi dekhenge okay